की बात करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच आज होने वाले क्रिकेट मैच पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। वहीं भोपाल में भारत की जीत को लेकर नन्हे खिलाड़ी भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इंडिया तो बहुत ही मजबूत है और वो ही जीतेगी मेरे हिसाब से। वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को एक लेजेंडरी प्लेयर ने दिलाया था, एक और अब खबर सावधान करने वाली। अगर आप ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं तो सतर्क रह जाइए, कहीं जालसाजी का शिकार ना हो जाएं। ग्वालियर में एक युवक जरा सी लापरवाही के चलते अपनी गाड़ी से हाथ धो बैठा। सामान खरीदना हो या फिर बेचना हो, आजकल सब ऑनलाइन है। ग्वालियर के रंजीत सिंह ने भी अपनी स्कूटी बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन दिया था, लेकिन ये विज्ञापन रंजीत सिंह को महंगा पड़ गया। OLX पर ग्राहक की जगह एक बदमाश ने स्कूटी का विज्ञापन देख लिया और बड़े ही शातिर तरीके से स्कूटी पार कर दिया। अपनी गाड़ी बेचने के लिए OLX पर मैंने एड डाला 28 तारीख को, और 29 तारीख को रात को 9:30 बजे मुझे एक नंबर से फोन आया। तो फोन पर एक लड़का मुझसे बोलता है कि सर मुझे आपकी गाड़ी पसंद है, मुझे आपकी गाड़ी लेना है। तो उसने मुझसे 30 तारीख को मिलने को कहा, तो मैं उसकी बात से तैयार हो गया क्योंकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने मुझे थाटीपुर पेट्रोल पंप पर उसने मुझे बुलाया और मैं चला गया वहां पर। बदमाश ने स्कूटी का विज्ञापन देखकर कॉल किया और स्कूटी खरीदने की इच्छा जताई और स्कूटी के मालिक को थाटीपुर के पेट्रोल पंप पर बुला लिया, जहाँ उसने 50,000 रुपए में स्कूटी खरीदने का झूठा बहाना बनाया। सौदा तय होने के बाद बदमाश ने टेस्ट राइड के लिए कहा। रंजीत ने जब कहा कि वो भी साथ चलेगा तो बदमाश इसके लिए भी तैयार हो गया, लेकिन जब रंजीत स्कूटी पर बैठने लगा तो वो उसे धक्का देकर भाग निकला। तो वो लड़का आया, उसने मेरी गाड़ी देखी, सब कुछ मतलब चेक किया। तो फिर बाद में मुझसे कहता है कि मैं आपकी गाड़ी को चलाकर देखना चाहता हूँ, और क्या कहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है आप चलाकर देख लो, लेकिन मैं आपके साथ बैठ के चलता हूँ, आपको जैसा चाहे आप चलाकर देख लो। तो मैं उसने गाड़ी स्टार्ट की, जैसे ही मैं उसके साथ पीछे बैठने को हुआ वो मुझ में धक्का मारकर मेरी गाड़ी लेकर भाग गया। बदमाश की स्कूटी लेकर भागने के बाद युवक ने उसे फोन भी लगाया, लेकिन वो मोबाइल नंबर भी किसी और का था। बदमाश ने किसी और का फोन लेकर कॉल किया था, जिसके बाद युवक थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस वालों ने आवेदन लेकर उसे भेज दिया। इसके बाद में अधिकारियों से शिकायत के बाद FIR दर्ज हुई। मैंने उसके जो नंबरों से कॉल आया था, मैंने उन नंबरों पर फोन लगाया, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम उस लड़के को नहीं जानते, उसने हमारे फोन से फोन किया था। तो फिर मैं बजरिया थाना गया, चौहान पे बजरिया थाना गया, तो मैंने वहां जाके अपनी शिकायत उनको बताई कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। 5-6 बार उन्होंने मतलब मुझे, मैं गया वहां पर, लेकिन मेरी FIR नहीं लिखी गई, मैं परेशान हो गया। तो फिर मुझे लौट पे का मुझे हमारे माननीय सतीश सिंह सिकरवार जी के यहाँ मुझे जाना पड़ा, उनसे उनको अपनी वारदात सुनानी पड़ी। तो फिर उन्होंने थाने में फोन करके FIR मेरी दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक बदमाश बेहद शातिर है, उसने किसी राहगीर के मोबाइल से युवक के नंबर पर कॉल किया था। जिस युवक के मोबाइल नंबर से कॉल गया था उसने बताया कि बदमाश ने उससे एक कॉल करने के लिए मदद मांगी थी। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। रंजीत पटतारिया की रिपोर्ट पर से धारा 406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में CCTV व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया। ऑनलाइन शॉपिंग या OLX जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सामान खरीदना या बेचना सुविधाजनक तो है, लेकिन सतर्क रहना भी जरूरी है। बिना पड़ताल किसी पर भी भरोसा करना भारी पड़ सकता है, कमाई तो दूर ठगी हो सकती है। ग्वालियर के इस युवक को भी बदमाश ने चूना लगा दिया। ग्वालियर से News 18 के लिए सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एक बार मेरी भारत माता
विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारतवर्ष को विश्व गुरु का गौरव दिलाने पीएम मोदी की तीसरी शपथ आज शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। हर भारतीय देखेगा अपनी भाषा में।